हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चावल के आटे का चीला बनाना दिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है। इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। तो ये 2 बड़े चम्मच चावल के आटे के लिए मैं 1.5 से 2 ग्लास पानी डालूंगी। इसको हम पतला बैटर रेडी करेंगे क्योंकि हमें पतले चीले बनाने हैं और जो चीले बनेंगे वो जालीदार चीले रहेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल और इजी रेसिपी है, ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, टेस्टी लगता है। तो आप इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने पानी डाल के इसको धीरे धीरे मिलाना शुरू कर दिया। एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और पतला बैटर तैयार करना है हमें। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। तो ये जो मैंने आटा है वो मैंने डीमार्ट से लिया है। तो ये पाउडर मिल जाता है, राइस फ्लोर करके मिलेगा आपको चावल का आटा, या फिर आप डीमार्ट में ना मिले तो आप किसी भी दूसरे राशन की दुकान से ले सकते हैं, नहीं तो आप चावल लेके पिसवा सकते हैं। तो इस सब का ही आप ऐसे चीला बना सकते हैं। तो ये मैंने इसमें पानी डाल के इसको पतला बैटर रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी टेस्ट के अनुसार। तो नमक डाल के आप इसे अच्छे से मिला लें। तो नमक जो है वो मैं पानी डालने के बाद इसलिए मिला रही हूँ, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि हमें बैटर दिख जाए कि कितनी क्वांटिटी में है। सिर्फ चावल आटे में अगर आपने मिला दे तो नमक कम हो सकता है। तो नमक में डाल के मैंने अच्छे से फिर से इसको चला लिया है। और ये मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है और इस पर मैं तेल लगा दूंगी थोड़ा। और ये तवा जो है लोहे का तवा है जिसमें मैं अपनी रोटी पराठे सेकती हूँ, ये वही वाला तवा है। तो ये मैं तेल लगा के इसको चेक कर लूँगी। ये जैसे ही गर्म हो जाता है, अब देख लें गर्म हो जाए, अभी मैंने तेज़ आँच में रखा है, जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं डालूँगी। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, जब ऐसे छन्न से आवाज़ आएगी तो ये इस तरीके से इसमें जाली बन जाती है। उसके बाद आप इसका आँच कम कर दें और ढक के इसे कम से कम 2 मिनट पकाएं। ये पक जाएगा, उसके बाद आप इसका ढक्कन खोल लें और इसको निकाल के धीरे से आप देखें चम्मच से साइड से निकाल लें। अगर नहीं निकलता है पहला या दूसरा, कई बार चीला नहीं निकल पाता है, तो आप साइड में तेल लगा सकते हैं। मेरा इजीली निकल रहा है क्योंकि मैंने धीमी आंच में इसे 2 मिनट पकाया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चीला बन के रेडी हुआ। इसी तरीके से फिर से तेल लगाएं और फिर से आप इस पर चीला बनाएं। तो इस तरीके से इतने बैटर में 10 से 12 चीला आराम से बन जाते हैं और 2 से 3 लोगों के लिए परफेक्टली हो जाता है इतना बैटर। तो ये मैं फिर से एक चीला बना के दिखा रही हूँ। आप ढक के जब पकाएंगे तो ये ऊपर से कुक हो जाता है, तो आपको वापस से पलट के पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा दूसरा चीला भी जो है ये मैंने तवे पे डाल दिया है और मैं इसे फिर से ढक दूँगी। तो ये मेरे चीले इस तरीके से बन के रेडी हैं। इसको मैं चटनी के साथ सर्व करती हूँ, जो हरी चटनी मैं पीसती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।